प्रोफेशनल आर्टिस्ट की जर्नी में आगे बढ़ते रहने के लिए हमें कंटिन्यूअसली सीखते रहना पड़ता है, और न सिर्फ आर्ट स्किल्स, न सिर्फ ड्राइंग स्किल्स, वो सारे स्किल्स तो जरूरी है ही, उनको तो सीखना जरूरी है ही, साथ में कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, अंडर द प्रेशर काम करना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर जिसको एक्सपीरियंस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। और आज का इंटरव्यू, आज का ये जो सेशन है, हम बात करेंगे निशिकांत सर से, निशिकांत जी की जर्नी के बारे में कि उनकी जर्नी में ऐसी कौन कौन सी बातें रही जिसकी वजह से उनको ग्रोथ मिली, जिसकी वजह से उनको ज्यादा हेल्प मिला अपने इस पर्सनालिटी को डेवलप करने में, अपनी इस जर्नी को डेवलप करने में, प्रोफेशनल इस फील्ड में आगे बढ़ने में। तो डीप डाउन इसके अंदर जाएंगे। सो निशिकांत जी महाराष्ट्र बेस्ड आर्टिस्ट हैं, उन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन जेजे कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट से की है, वो आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया अर्बन स्केचेस नवी मुंबई यहां पे मेंबर भी हैं। उन्होंने कई सारे वर्कशॉप्स किए हैं, खुद के ऑर्गेनाइज करवाए हैं, आर्ट कैंप्स वो कई सारे ऑर्गेनाइज करवा चुके हैं, कई सारे उनके आर्टवर्क्स प्राइवेट कलेक्शंस में भी हैं, कई सारे ग्रुप एग्जीबिशंस के वो पार्ट रहे हैं। एशिया एड फेस्ट में वो सिल्वर मेडलिस्ट रहे हैं, गोवा फेस्ट में वो सिल्वर मेडलिस्ट, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी रहे हैं, गावा इंटरनेशनल वाटर कलर कॉन्टेस्ट में वो पार्ट रहे हैं, न्यूयॉर्क फेस्टिवल में फाइनलिस्ट रहे हैं इलस्ट्रेशंस में, सिलेक्शन उनका हुआ था इंटरनेशनल वाटर कलर सोसाइटी में ग्लोबल समिट में 2018 में, पोर्ट्रेट एंड फिगरेटिव में थर्ड रैंक उनका आया था ओलंपियाड 2019 में, उन्होंने व्हाइट नाइट कॉलर अवार्ड्स भी जीता था। और ऐसे ही उनके कई सारे ऐसे अचीवमेंट्स हैं जो किसी भी एस्पायरिंग आर्टिस्ट को प्रेरणा देते हैं अपनी इस फील्ड में आगे बढ़ते रहने के लिए। इस सेशन को शुरू करने से पहले आपके साथ एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये जो सीरीज है, ये जो सेशंस मैं ले रहा हूं यहां पे, एक कोशिश है, ये जो कॉम्पिटिशन भी हम ऑर्गेनाइज करवाने वाले हैं, एक कोशिश है कि इंडिया में अवेयरनेस फैला सकें आर्ट की एजुकेशन के साथ साथ आर्ट के कॉम्पिटिशन जो होते हैं उसकी जो एंगेजमेंट होती है आर्टिस्टों के बीच में, आर्ट लवर्स के बीच में, जन जन तक, हर एक आर्ट लवर तक, हर एस्पायरिंग आर्टिस्ट तक इन बातों को पहुंचा सकें। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक तो कनेक्टेड रहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला है कि इस चैनल के साथ अगर आपने बेल आइकन दबाया नहीं है तो आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पे नहीं जाएगा, तो बेल आइकन ज़रूर दबा दें। बाकी मेरे बाकी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, स्टे कनेक्टेड, प्लस इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि हर एक लाइक, हर एक शेयर, आपका हर एक चीज मैटर करता है, क्योंकि उससे आर्ट की अवेयरनेस फैलाने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। जितनी ज्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी, जितनी ज्यादा आर्ट के ऊपर बातें बढ़ेंगी, उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आर्टिस्टों के लिए बढ़ेगी, खासकर इंडिया में, खासकर भारत में, क्योंकि ये सारी चीजें हम हिंदी में करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इंडिया में एटलीस्ट हम ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैला सके। एंड इस वीडियो को, इस सेशन को शेयर करते वक्त आप इंस्टाग्राम में हैशटैग इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारे हैशटैग मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, IAI इंटरनेशनल आर्ट आइकॉन, इंटरनेशनल आर्ट आइकॉन 2022 एंड रियांश राहुल आर्ट यूनिवर्सिटी, ये सारे हैशटैग आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने स्टोरीज में टैग कर सकते हैं, अपने कोई भी पोस्ट आप डालते हैं वहाँ पे टैग कर सकते हैं, वहाँ पे हैशटैग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये चीज़ें हम देख पाएंगे, आपके शेयर जो आप कर रहे हैं उनको भी देख पाएंगे, और इससे एक अवेयरनेस फैलेगी, एक कम्युनिकेशन बिल्डअप होगा, एक नेटवर्किंग बिल्डअप होगी। तो इसी के साथ अब शुरू करते हैं आज का ये इंटरव्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो मच हैप्पी निशि जी कि आप आए हैं, एंड ये मेरे लिए एक ऑनर की बात है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस, आपका जितना भी आर्टवर्क्स मैं देखता हूँ और जितने भी आपके बातें मैं सुनता हूँ, तो आपकी एक्सपीरियंस से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी गलती हम लोग कर सकते हैं, लेकिन आपका पास्ट में जो एक्सपीरियंस रहा है उसकी वजह से हम लोग को बहुत सारी चीज सीखने को मिली है। सो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निशि जी, आपके लिए सबसे पहले एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है कि आपकी लाइफ में बचपन से लेके अभी तक जो जर्नी रही है उसमें कॉम्पिटिशन्स, ये जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, उस समय तो खैर पहले ऑनलाइन उतना नहीं था, बट ऑफलाइन के वक्त भी कॉम्पिटिशन आपकी लाइफ में कितना बड़ा आपका रोल प्ले किया आपकी लाइफ में कॉम्पिटिशन ने? एक्चुअली कॉम्पिटिशन ही हमारा जिंदगी का पार्ट ही है, जहाँ जहाँ हम जाते हैं तो हर मौका पे आपको एक कॉम्पिटिशन दिखता है। कॉम्पिटिशन का हम कितना पॉजिटिवली लेते हैं, कितना नेगेटिवली लेते हैं, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन मैं जब बचपन में था तो सबसे ज्यादा बाकी सब कॉम्पिटिशन चलता रहता था, कि क्रिकेट का, वॉलीबॉल यानी स्पोर्ट का, बाकी सब का। लेकिन एक रूरल एरिया में रहते हुए आर्ट का कॉम्पिटिशन काफी कम था, मतलब जस्ट कोई फेस्टिवल आता था तो मुझे मिस कोई न्यूज़पेपर आता तो वहाँ पे पता चल जाता था कि अरे उस एरिया में, जैसे सिटी में एरिया में कंपटीशन हो रहा है तो मुझे जाने को नहीं मिल रहा है, तो काफी अफसोस था। तो हमारे यहाँ पे जो एक रूरल एरिया में काफी स्कूल टू स्कूल कंपटीशन होते थे, तो बस उतना ही मैं पार्टिसिपेट कर पाता था। लेकिन उससे एक एनर्जी मिल जाती है आपको कि अरे अभी मुझे कुछ करके दिखाना है, या मुझे भले हमें कुछ आता ना आता हो लेकिन उससे एक इंस्पायरेशन मिलता है, मुझे सबको मेरा काम दिखाना है,
वैसे तो आप घर पे काम करते रहते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको एक इंस्पिरेशन मिलना। नाइस, बहुत सच्ची बात है ये मैं पर्सनली भी बहुत फील कर पा रहा हूँ आपकी बात से, कि एक फील तो आता है कि हमें अपना काम सबको दिखाना है, वाली बात तो आती है। गलत हो अच्छा हो बाकी वो देखे ना देखे, लेकिन हमें सबको दिखाना है बस। आर्टिस्ट को एक सेटिस्फेक्शन कब मिलता है, पैसा न मिले तो भी कम है, लेकिन कोई आपको काम देके वाह क्या काम बना है तो उससे बहुत खुश हो जाता है आर्टिस्ट। तो कोई कोई भी सजेशन भी देता है, कोई अच्छे जो टीचर लोग होते हैं तो बोलते अरे वो तो घर पे आके हमारा काम नहीं देख पाते। कॉम्पिटिशन से क्या होता है कि आपका काम प्रेजेंट हो जाता है, चार लोगों के सामने दिखाया जाता है तो वो बात कर सकते हैं आपसे, तो वो चीजें डेफिनेटली आपको बचपन से वो मेरा एक था कि हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेना, तो बहुत सारे छोटे छोटे कंपटीशन में अवार्ड मिलना, तो एक होता है ना कि हर कॉलेज में एक स्टूडेंट होता है कि जो आर्ट में अच्छा काम करता है, तो एक भले हम स्टडी में कुछ अच्छा ना कर पाए लेकिन हमें एक चांस होता है कि हम इसमें कुछ ना कुछ करके दिखाएं। वेरी ट्रू हमें चांस नहीं छोड़ना है उसमें। बिल्कुल ये अच्छा, ये जो कॉम्पिटिशन जैसे आप कॉम्पिटिशन में लेते थे, तो स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट उस कंपटीशन ने आपको कैसे हेल्प किया ग्रो करने में, और एज ए प्रोफेशनल भी जैसे अभी आप फुल टाइम आर्टिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं, तो प्रोफेशनल लेवल पे भी जब आप अपने बचपन के उस कंपटीशन को याद करते हैं कि मैं उस समय कंपटीशन में लिया करता था, उस समय जीते नहीं जीते वो तो बात की बात है, लेकिन उसको पार्ट लेने की वजह से आज आपकी लाइफ में कितना आपको लग रहा है कि इम्पैक्ट पड़ा है? डेफिनेटली अभी देखिए कि हम जब पहले क्या ऑनलाइन या कुछ वो चीज नहीं थी, फिर हम फिजिकली जाके उस कंपटीशन को जाके सब ऐसे ग्राउंड पे बैठ के सबको पेपर डिस्ट्रीब्यूट करना ये करना, फिर उसके हम सीखते थे। तो मैं देखता था कि मेरा जो इकोनॉमिकल कंडीशन एकदम पुअर बैकग्राउंड ही कहेंगे हम, तो मेरे पास वो पेंट नहीं थे जो सामने वालों को देखते कि अरे इसके पास तो पोस्टर कलर है एकदम ब्यूटीफुल कलर है, मेरे पास तो एक डिफरेंसेस करने के लिए भी नाम नहीं था, मेरे पास जो कलर है उसमें पोस्टर ऑयल बिल कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं मालूम था। तो वहां पे पता चला कि मुझे अरे ये भी कलर्स होते हैं, ये भी मीडियम्स होते हैं, पेंसिल्स होती है। तो जब हम स्कूल में रहते तो एक लिमिटेड एरिया में हम रहते हैं, जब हम बाहर की दुनिया में आते तो हमें बहुत सारा ओपन अप दिखता है कि हाँ ये इस तरीके से भी काम होता है, इस तरीके से भी काम, भले वो अच्छा काम करे ना करे लेकिन हमें आइडिया मिल जाती है, आइडिया मिल जाता है उसे। जब हम कंपटीशन में पार्ट लेते तो फिर हम जज करते कि अरे इसको अवार्ड क्यों दिया, इसको हमने क्यों देखा, ये इसमें क्या स्टाइल है, तो वो स्टाइल शायद अच्छा लग रहा है, तो यही हम कमर्शियल अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं कि जी हाँ ये इस तरह का काम काफी लोग पसंद करते हैं, तो मेरे जो क्लाइंट्स है, मैं जो प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ, तो उसमें से कुछ आइडिया लेना। ये देखिए कि कोई भी दुनिया में प्योर आइडिया नहीं होता है, हर आइडिया इन्फ्लुएंस होता है। Definitely, 100%. एक ऊर्जा जैसे है, वो एक से बाद दूसरे की तरफ जाता है, दूसरे की तरफ वो मॉडिफिकेशन होके करके जाता है, लेकिन वो ऊर्जा है जो ऊर्जा का नियम है वो सेम है। आर्ट का भी नियम वही है कि जो माइकल एंजेलो जो बनाया था उसका ही इन्फ्लुएंस आके अभी अभी बना रहा है, कोई अब्स्ट्रैक्ट बना रहा है तो डेफिनेटली उसका भी कन्वर्सेशन इसमें हो रहा है। तो आइडियाज आपको दुनिया में पैर रखने के बाद ही आते हैं, घर पे बैठेंगे तो हम अपने एरिया के तो क्या बोलते हो शेयर करते हैं, लेकिन बाहर जाते हैं तो पता चलता कि नहीं भाई और भी कुछ करना पड़ेगा, और भी मुझे हमें हाथ पर हिलाने पड़ेगा। तो ये कॉम्पिटिशन से ये मुझे काफी ये मिला कि नहीं मुझे और काम करना पड़ेगा। डेफिनेटली ये चीज़ तो बहुत सच बात है कि हम लोग बहुत कुछ एक्सप्लोर कर पाते हैं, और बचपन में जो किया है वो आज के टाइम भी काम आ रहा है। निशी जी एक सवाल जो बहुत लोगों के मन में आता है, और मैं भी जब बचपन से कंपटीशन में मतलब मेरे घर पे भी मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि कंपटीशन में पार्ट ले, वो मतलब अच्छा चीज़ है, जीते नहीं जीते बात की बात है लेकिन पार्ट लेना चाहिए। तो एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि जब भी मैं पार्ट लेता था तो एक प्रेशर रहता था माइंड में कि कौन सा सब्जेक्ट लूँ क्या बनाऊँ, तो अभी मैं सोचता हूँ तो लगता है कि हाँ उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी आ पाई है अंदर में। तो अभी मैं देखता हूँ जब मैंने एक कुछ पोल भी डाला था अपने सोशल मीडिया पे, तो बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि हम छांट नहीं पाते हैं कि क्या बनाएं। अगर मान लीजिए कंपटीशन ओपन कंपटीशन है, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हम इसमें क्या बनाएंगे। तो अगर मान लीजिए आप जैसे बचपन में पार्ट लेते थे, या फिर आप बाद में कॉलेज के टाइम में भी जब आप कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते होंगे, तो कोई ओपन कॉम्पिटिशन में अगर आपने पार्ट लिया तो किस तरीके से आप सोचते थे कि क्या सब्जेक्ट लूं मैं? पहले तो एक होती है कि सिलेक्टेड सब्जेक्ट वो वही स्पॉन्सर करते या वही बता देते थे जो ऑर्गेनाइजर है। सेकंड कंपटीशन आता है कि आपको ओपन रहता है कि आपको खुद के सब्जेक्ट चॉइस करना रहता है।
तो उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट का कंफ्यूजन ही हो जाता है कि हम एग्जैक्टली सब्जेक्ट क्या ले, तो दिमाग से वो निकाल देना है कि हम सब्जेक्ट क्या ले, हमें क्या अच्छा आता है वो आपका सब्जेक्ट है। अगर आपको अच्छी तरह से ड्राइविंग आता है और आपको मैंने तैरने को कह दिया क्योंकि तैरने से जल्दी पहुंच जाते हैं ऐसा बता दिया किसी लोगों ने, अगर आपको अच्छा ड्राइविंग आता है तो आप ड्राइविंग करके पहुंचो ना, क्यों तैर के जा रहे हैं, अगर डूब जाओगे बीच में। बिल्कुल, वो तैरने वाले काफी फास्ट है, उनका डिस्टेंस कम है इसीलिए वो उधर जा रहे हैं, लेकिन आप उसी टाइम में आपका जो कारें चला के भी उनके आगे जा सकते हैं। तो आपको जो अच्छा सब्जेक्ट है सोचिए, मैं दूसरा क्या ले रहा है, तीसरा क्या ले रहा है, उस मार्केट सर्वे नहीं है ये, आपका खुद का जो ग्रोथ है, जो आप कॉन्फिडेंस है जिस चीज में, मुझे पोर्ट्रेट अच्छा लगता है तो मैं लैंडस्केप क्यों बनाऊं कॉम्पिटिशन के लिए, आपको एक्सपेरिमेंट करना है घर पे कीजिए, लेकिन अगर कॉम्पिटिशन आता है तो जो भी आपको अच्छी तरीके से आता है, जो भी आपका अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें आपके मास्टर के, जिसमें आपने बहुत सालों से काम किया है, उसको आगे लेके जाइए, तो उसमें फिर देखिए कि आप क्या क्रिएटिवली वो प्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें स्टडी कीजिए, ना कि सब्जेक्ट चेंज कीजिए। अगर आपने एक पोर्ट्रेट सब्जेक्ट लिया उसके अंदर भी बहुत सारे सब्जेक्ट है, फिर उसमें फोकस कीजिए कि पोर्ट्रेट के अंदर मुझे क्या माइथोलॉजी करना है, या रियल कंडीशन दिखाना है, या मुझे कुछ रूरल साइड का रिप्रेजेंट करना है, तो उसके अंदर डीप में जाइए, फिर जो अपने सब्जेक्ट आपका फोकस है वो। लैंडस्केप है तो लैंडस्केप में भी बहुत सारे टाइप्स है, सिटी लैंडस्केप है, अर्बन लैंडस्केप है, नेचर लैंडस्केप है, फ्लावर्स है, फ्लावर्स में भी डिफरेंट टाइप है, लेकिन आपको एक सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा जिसमें आप अच्छा काम कर रहे हैं। डेफिनेटली, तो ये चीज जितने भी लोग अभी देखेंगे इस वीडियो को, एक चीज क्लियर कर लीजिएगा कि आप लोग जिस सब्जेक्ट में आपका एक्सपर्टीज है, जिसको आप अंदर से फील करते हो, जो आप लोग करते आ रहे हो, उसी को छांटना है, और उसी में फिर आप देख सकते हैं कि इसमें कौन सा टाइप आप बना सकते हो। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अपने आप से पहले सच बोल देना है कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, किस चीज़ में अच्छी हूँ, उसके बाद फिर उसमें स्टेप लेना है कि कौन सी चीज़ मुझे करनी है। ऋषि जी, एक सिचुएशन मैं आपको अब एक सिचुएशन में डालता हूँ। मान लीजिए कि आप अभी कॉलेज के दिनों में, अभी आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, एंड आपको पता चलता है कि एक पास के किसी शहर में आर्ट का एक कैंप हो रहा है, तो आपके अंदर से आया कि ये कैंप तो बहुत अच्छा है, और आप कॉलेज में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी हैं कि मुझे जाना है, ये कैंप के बारे में मुझे पता चला, इसके ऐसे ऐसे लोग आएंगे, अलग अलग आर्टिस्ट आएंगे, तो मुझे कैसे भी जाना है। लेकिन फिर आप जाते हैं, अपने घर वालों से बात करते हैं, तो आपको ये भी पता है कि घर वाले मना कर देंगे, कि घर वाले भेजेंगे नहीं। तो आपके दिमाग में उस समय कुछ चीज़ें मान लीजिए चल रही हैं, जो सबके दिमाग में चलती हैं कि अब मेरे को मन है जाने का, मैं कैसे जाऊँ, एक तो दूसरा शहर जाना पड़ेगा, भले पास में है वो, जा सकते हैं कोई भी, लेकिन जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाने में फिर खर्चा भी होगा, वहाँ का टिकट भी है कुछ, तो घर वाले टिकट का पैसा भी नहीं देंगे, अगर मैं बोलूँगा तो डांटेंगे भी। तो अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो आप क्या करेंगे, अगर आपको इस चीज़ में आपको करना है तो आप क्या आइडिया लगाएंगे या क्या जुगाड़ लगाएंगे? ये अच्छी बात है कि क्या होता है कि मैं एक बार बार मैं वही कहूंगा कि मैं एक पुअर बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, तो मुझे कैलकुलेशन पहले से मालूम है। तो हमारे गांव में जैसे छोटे बच्चे थे तो मैं कोई आता था तो मेरे पास 10 रुपए या कुछ खाने के लिए हमें देते थे, तो मैं फ्यूचर प्लानिंग करता था, मैं मुझे आगे जाके इससे मेरा कलर्स लेने है, इससे मुझे उस कॉम्पिटिशन के लिए जाना है, या इससे मुझे आर्ट के लिए कुछ ना कुछ करना है, तो मैं उसके सेविंग करता था। ऑन द स्पॉट आप किसी को कहेंगे, टीचर या अपने पेरेंट्स को, किसको, तो वो लोड आ जाता है पेरेंट्स के ऊपर भी कि हाँ यार मेरे पास इतना नहीं है। कोई कोई पेरेंट्स काफी अच्छे तरीके से होते हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन किसी के पास एक्सेप्ट करने के बावजूद भी आपको पैसा देने के लिए पैसा नहीं रहता है, तो आपको प्री प्लानिंग करना पड़ेगा। अभी कॉम्पिटिशन हो, अभी आपने बोला, अभी ऐसा नहीं, आपको पहले से सोच के रखना पड़ेगा, तो वो एक टाइम पीरियड होता है। जैसे मैं सोचता हूँ आज की दुनिया में बहुत सारे लोगों को मनी मिलता है, ऐसा नहीं कि एकदम पुअर कंडीशन में सभी, अभी आप अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं, अच्छा सा उनको सब कुछ मिल रहा है, तो सेविंग कर लीजिए आपको आर्ट के लिए, लेकिन देखिए जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ही आपको रिटर्न मिलने वाला है। शायद आप पैसे बचाएंगे, अभी आप कैंप नहीं जाएंगे, आप कॉम्पिटिशन नहीं करेंगे, तो फिर आर्ट में जो स्टेप कहते हैं वो स्टेप आपकी नहीं आएगी जल्दी, आपको उस नीचे रखना पड़ेगा। तो हर स्टेप बढ़ने के लिए आपको आगे आगे बढ़ना पड़ेगा, कॉम्पिटिशन है, कैंप है, वर्कशॉप्स है, लोगों तक पहुंचना है आपको, और उसके लिए डेफिनेटली आपको इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो आप छोटे छोटे कमीशन वर्क चालू कीजिए, आपको आर्ट में कुछ पाना है तो पैसा पहले आपको सेव करना सीखना पड़ेगा। शायद आप घूमने जा रहे हैं तो उसके लिए बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, अलग अलग मूवी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन
आपको पता है ना आपका पैशन क्या है, आपको मूवी देखना पैशन नहीं ना आपका, आपका पिज्जा खाना पैशन नहीं है, तो आप पैशन पे फोकस रखिए, फिर उसमें से बचता है तो फिर एंजॉय कीजिए। ये वाली बात आपकी बहुत सच है, क्योंकि मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। मैं और एक मेरा फ्रेंड थे, तो शुरू में हम लोग का भी सिचुएशन, जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट होते तो बहुत फाइनेंशियली बहुत ख़राब सिचुएशन था, तो उस समय हम लोग ट्राई करते थे नया नया एग्जीबिशन जाने का, तो एग्जीबिशन में फ़ीस लगती थी या जाने की फ़ीस लगती थी, तो उसके लिए जैसे आपने कहा सेविंग करना आना चाहिए, तो वो चीज़ मेरे लिए भी बहुत हेल्पफुल रही है कि सेव करते रहता था मैं भी कि ये चीज़ नहीं करनी है, कपड़े नहीं खरीदने हैं, कहीं घूमने नहीं जाना है, कहीं मूवी नहीं जानी है, सेव चल रहा है। इनफैक्ट हम लोग अगर किसी शहर में उतरे हैं एग्जीबिशन जाने के लिए, तो वहाँ अगर 10 किलोमीटर भी जाना पड़ रहा है तो ऑटो का पैसा बचाते थे कि ऑटो में नहीं जाएंगे इसमें खर्चा लग जाएगा, पैदल जाओ भले ही उस एग्जीबिशन में इन्वेस्ट कर दें लेकिन इन सब चीज़ों में ना करें। तो ये तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, आर्ट के फील्ड में जा रहे हो, किसी भी फील्ड में जा रहे हो, आपको सेविंग करनी है, वेस्ट नहीं करना है किसी भी जगह पे, तो इस तरीके से आपको स्टेप लेना है। ये तो मतलब परमिशन के बात पे आते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो लेडीज रहते हैं बेसिकली, जो लड़कियां रहती है तो वो परमिशन नहीं मिलती घर से जाकर काम के लिए या स्टे के लिए, तो वो कन्विंस करना काफी मुश्किल हो जाता है। जो लड़के होते हैं उनके लिए तो कुछ इशू नहीं रहता है, तो उस टाइम पे आपका पहले से एक छोटा सा ग्रुप बनाइए आर्ट फील्ड का, जो आपकी नजदीक वाली लड़कियां हैं, फ्रेंड्स हैं, ऐसे तो आप वैसे घूमने के लिए टूर ट्रिप के लिए तो परमिशन मिल जाता है, लेकिन आर्ट कैंप के लिए भी नहीं मिलता, मिल पाएगा लेकिन उस जो घूमने जा रहे हैं वहां पे आपके साथ लड़कियां हैं तो पेरेंट्स हाँ जा भाई तो वो तो है, तो उसी तरह आपके आर्ट के भी एक ग्रुप बनाइए, तो उनपे भी कॉन्फिडेंस होने दो कि अरे हाँ अच्छे माहौल में जा रहे, यहाँ पे जा रहे। डेफिनेटली आपका एक सर्कल बनना चाहिए, आर्ट सर्कल, भले वो प्रोफेशनल ना हो या, लेकिन एक हो जाता है, हर एक एरियाज में फ्रेंड मिलना इतना मुश्किल नहीं है, शायद दूर का भी रहे ऑनलाइन ऑफलाइन पेरेंट से मुलाकात करवा दीजिए, उनसे बात करवा दीजिए कि क्या हम पे क्या है, तो आपको अप्रोच करना, आप एज अ पेरेंट को नहीं कन्विंस कर पाएंगे तो आगे जाके क्लाइंट को भी कैसे कन्विंस करेंगे, कहाँ से सीखना है आप। बहुत सही बात है, ये छोटी छोटी चीजें हम लोग को लाइफ सिखा देती है कि बचपन में पेरेंट्स को कैसे समझाया वही काम आता है फ्यूचर में भी। ये चीज सही बात है कि कुल मिला के पेरेंट्स भी क्या डर जाते हैं या थोड़ा सा घबरा जाते हैं, लेकिन वो अंदर से ऐसा नहीं चाहते कि इसको करवाना ही नहीं है, बच्चे क्या सोचते हैं कि पेरेंट्स ने मना ही कर दिया, वो आपकी भलाई के लिए सोच रहे हैं, लेकिन बस बात यह है कि आप देखो कि वो क्यों मना कर रहे हैं, हो सकता है उनको डर हो सकता है कि उनको कोई और प्रॉब्लम आ रही हो, आप धीरे धीरे उस सिचुएशन को समझोगे उस हिसाब से हैंडल करोगे तो उसका रास्ता डेफिनेटली निकल जाएगा, और पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा खुश रहे, तो वो जब समझ जाते हैं बच्चे अगर अच्छे से समझा पाते हैं तो पेरेंट्स समझ जाते हैं तब फिर वो डेफिनेटली एक रास्ता निकाल लेते हैं। आजकल के पेरेंट्स तो इतने मॉडर्न है ना, वो खुद के बच्चों के लिए टीचर ढूंढना चालू कर देते हैं शुरू से ही, कितने अप्रोच आते हैं, मेरे बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मुझे आप उनको सिखाओ ये करो, वो खुद ही अप्रोच कर रहे हैं, काफी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये जी, बहुत अच्छी है। जितने भी पेरेंट्स अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनको सबसे पहले उनको थैंक यू कि अपने बच्चों को इस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे एक और निशी जी, एक और चीज, काफी सारे लोगों का एक रेस्पॉन्स आया, जैसे आपने बोला भी कि मेरा स्किल तो अभी अच्छा नहीं है, मैं अगर अभी तो मैं उतना अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ तो मैं क्यों किसी चीज़ में पार्ट लूँ, मैं क्यों इसमें जाऊँ, बेकार में पार्ट लूँगा, इसमें पैसा वेस्ट होगा, इसमें टाइम वेस्ट होगा, तो ये चीज़ एक तो मेंटेलिटी आ जाती है कि नहीं जीतने के लिए जाना है, अगर नहीं जीत पाएंगे तो पैसा वेस्ट टाइम वेस्ट, तो ये चीज़ आपको क्या लगता है कि इस चीज़ के बारे में आप एक छोटा सा मैसेज देना चाहें। जज नहीं करना है शुरू में से, हमें ओपन अप रखना है, जज करने के लिए दूसरे लोग हैं ना, आप बिंदास पार्टिसिपेट कीजिए, उसको अच्छा ना लगे वो उसकी जिम्मेदारी, लेकिन आप अभी से खुद को डिमोटिवेट करेंगे कि यार मेरा काम अच्छा नहीं है, मैं क्यों पार्ट लूं, मैं ये क्यों करूं, तो उससे क्या होता है कि आप शुरू से ही हार मानना चालू कर ले, आप इस बार ठीक है जीते ना जीते अलग बात है, आप दूसरे का काम देख के थोड़ा डे हो जाते हैं, लेकिन आपको एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैं भी इन फ्यूचर इसके जैसा काम करने के लिए मुझे कॉम्पिटिशन ज्वाइन करना है, मुझे क्या मुझमें क्या कम है, क्या कमी दिख रही है, क्या है, आप कॉम्पिटिशन में ज्वाइन करेंगे तो उस पार्ट को आप स्किप कर रहे हैं, अगर मैंने इस कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया है तो मैं सबके काम देखूंगा सही बात है, अगर मैं नहीं कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया तो नहीं देखूंगा क्योंकि मैं स्किप कर दिया उस पार्ट को, मैं दूसरा कुछ काम करते रहूंगा, भूल भी जाऊंगा क्या है ये कॉम्पिटिशन था, जाने दो मेरे लिए नहीं था, लेकिन आपने 10 या 100 जो भी आप अमाउंट पे किए है तो हर किसी के काम, अरे इसको प्राइस क्यों मिला है, इसका काम क्यों अच्छा है, ये क्यों है, तो आप
उसका फीस भर रहे हैं, ना कि आप कंपटीशन या प्राइज मिलने के लिए फीस भर रहे हैं, सर्वे के लिए फीस भर रहे हैं, आप खुद के ग्रोथ के लिए फीस भर रहे हैं। डेफिनेटली ये बात भी सच है कि हम लोग पार्ट लेते हैं तो हम लोग सीखते हैं, कुछ ना कुछ उसमें सीखते हैं, लेकिन अगर आप पार्ट नहीं ले रहे हो तो ऑलरेडी आप हार चुके हो। अगर आप डर गए पहले से तो वो तो सीखना तो दूर, वो आप पहले से मतलब एक हमें ये इंट्यूशन भी होता है कि नहीं मुझे इसमें नया अवार्ड मिलेगा, चल जाने दो, हम इंट्यूशन भी रहे तो, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको पार्ट लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा निशी, आपने जब मान लीजिए आप बचपन में जैसे आपने पार्ट लिया, तो आप कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आपने एक्सपेक्ट किया होगा कि नहीं इसमें तो मतलब मेरा प्राइस आना चाहिए, मतलब मैं अच्छा कर रहा हूँ। अभी तक एक्सेप्ट कर रहा हूँ, अरे इसमें मुझे, मैं बचपन से कर रहा हूँ कि हम इसमें प्राइस मिलेगा, लेकिन नहीं मिलता था तो मैं ऐसा नहीं ब्लेम छोड़ता था कि ऑर्गेनाइजर खराब है, वो टीचर खराब है, इसलिए नहीं दिया, ऐसा मैं सुनता सोचता था कि अरे मुझे और भी काम करना है, मुझे और भी इम्प्रूव करना है। अभी भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन उसमें मैं वर्क भेजता हूँ, सिलेक्शन भी नहीं होता है, तो हम खुद के काम को जज नहीं कर पाते। उस जो ज्यूरीज होते हैं उनका एक्सपीरियंस होता है, वो उस टाइम पीरियड का वो माहौल रहता है कि उस टाइम पीरियड में कितने आपसे काम अच्छे आए हैं, क्या आए हैं, या उसका इंटरप्रेशन क्या है। जैसे कि कोई एब्स्ट्रैक्ट वाला ज्यूरी है तो आप रियलिस्टिक को कई बार वो निगलेक्ट कर देता है, कोई रियलिस्टिक वाला ज्यूरी है तो वो एब्स्ट्रैक्ट के लिए निगलेक्ट कर देता है, तो उसमें कम और ज्यादा की उम्मीद नहीं रहती, लेकिन वो रिस्पेक्ट करना है हम उस सिचुएशन का, उस डिसीजन का। शायद इन फ्यूचर आपका दूसरी जगह पे मिल जाए तो डिमोटिवेट नहीं होना है आपको। बहुत सारे लोग, मैं भी कॉम्पिटिशन लेता हूँ, मैं भी ऑर्गेनाइज करता हूँ, तो बहुत सारे लोग मेरा इतना अच्छा काम था तो मुझे क्यों नहीं मिला, तो उस टाइम में उनको सबको यही बताता हूँ कि वो जूरी को रिस्पेक्ट करना आप सीखेंगे तो ही आप आर्ट में आगे बढ़ेंगे। आर्ट सबका अच्छा होता है, बस उस जूरी के लिमिटेशन होता है कि मुझे एक दो तीन प्राइस निकालने होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपका वर्क खराब है। और वैसे भी ये सब चीजें जुड़ जुड़ के ही हम लोग कहीं ना कहीं आगे पहुंच पाते हैं, क्योंकि अब जीतो हारो वो चीज से जो भी होता है, जो आउटकम निकलता है वो हमें आगे के लेवल पे काम आता है, तो ये तो 100% सच है। अच्छा ऐसा भी हुआ होगा कि कई बार आपने नहीं पार्टिसिपेट लिया होगा, ऐसा कभी हुआ है कि आपको लगा हो कि इसमें नहीं लेता हूं मैं? कई बार क्या होता है कि हम कुछ कंपटीशन को निगलेक्ट कर रहे हैं, ये तो नॉर्मल कंपटीशन है, उसमें क्यों पार्ट लेना है, लेकिन जब उसका माहौल बाद में पता चल जाता है तो वो रिग्रेट हो जाता है, अरे इसमें लिया तो रहता तो कुछ ना कुछ। अगला सवाल होने वाला था कि मान लीजिए दो सिचुएशन है, एक पार्ट लिए और सिलेक्ट नहीं हुए, और एक पार्ट ही नहीं लिए, ये दो चीज हुआ, और जब हम बाद में याद करते हैं तो किस बात का ज्यादा बुरा लगता है, कि हम पार्ट लिए थे फेल हो गए कि हम पार्ट ही नहीं लिए? नहीं, सबसे बुरा लगता है कि हम इसमें पार्ट ही नहीं लिए, कि हमें जब काम दिखता है लोगों का, अरे मैं लेता तो शायद हो जाता, कुछ हो जाता। तो हर कॉम्पिटिशन को उतना ही सीरियसली लेना है कि आपको देखना है कि हाँ इस कॉम्पिटिशन का, दो टाइप के कंपटीशन होते हैं, वो उसमें आपको ज्यादा फोकस करना है। एक होता है कमर्शियल कंपटीशन, तो कमर्शियल कंपटीशन में क्या होता है कि उनका फोकस खाली पैसा कमाना होता है। दूसरा कंपटीशन होता है, कमर्शियल भी होता है और बहुत अच्छे लोगों को आगे तक उभार के लेके आना, क्योंकि हर कंपटीशन करना है, कुछ प्रोग्राम करना है तो डेफिनेटली उसके लिए अमाउंट लगता है, उसमें बहुत सारे सिचुएशन आते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि यार ऑनलाइन हो रहा है और उसके लिए क्या पैसा लगे, उसके लिए ज्यूरीज है, उसके लिए टाइम है, एडिटर्स है, पोस्टर डिजाइनर है, सबको मीडिया मार्केटिंग है, सब चीजें है, उसके लिए पैसा लगता है। तो मैं जो भी आपके स्टूडेंट देख रहे हैं, तो फीस यानी हम पैसा कमाने के लिए नहीं ले रहे, तो जो खर्चा हो रहा है उससे कुछ ना कुछ आपको ही मिल जाए, उसमें प्राइजेस रहेंगे, बहुत सारी चीजें रहेंगे। तो दो टाइप के आपको फोकस करना है, कि आपको देखना है कि मैंने बहुत सारे कंपटीशन इंस्टा पे देख रहा हूँ कि वो ना आर्ट फील्ड के बैकग्राउंड से है ना कुछ है, 50 रुपए फी रखेंगे और 150 रुपए 300 रुपए का प्राइस रखेंगे, तो आपको खुद ही समझ में आता है कि एक्चुअल क्या कंपटीशन में क्या करना है आपको, तो वो डेफिनेटली आप
चेक करके ही जो भी कंपटीशन वो कर लीजिए। आपने ये जो पॉइंट उठाया मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि लोग क्या होता है कि कई बार ऐसे सोचते हैं कि ये तो बहुत महंगा है तो ये तो अच्छा नहीं होगा, ये तो फ्री में हो रहा है तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ये नहीं देखते कि उसके बदले क्या वैल्यूज मिल रही है, उसमें कितना एक्सपोजर मिल रहा है, कितनी नॉलेज मिल रही है। फ्री में हो सकता है कि आपको फीस ना लगा, लेकिन उसके बदले अगर आपको कुछ वैल्यू नहीं मिला तो देखा जाए तो फ्री में आपका टाइम वेस्ट हुआ, लेकिन एक जगह में हो सकता है कि फीस दिया लेकिन बहुत कुछ उसके रिटर्न में मिला। तो निशी जी, आज का मतलब हमारा जो सेशन था बस इतना सा था, छोटा सा सेशन था। एक एंड में एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि इंटरनेशनल आर्ट आइकॉन जो हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो छोटी सी कोशिश मैं यही कर रहा हूँ कि अभी हम इतने सारे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन को सुनते हैं जो अच्छे लेवल पे हो रहे हैं, तो एक कोशिश है कि एक कॉम्पिटिशन हम बड़े लेवल पे इंडिया में करवाएं ताकि ज्यादातर इंडियन आर्टिस्ट लोग इसमें पार्ट ले सकें और अच्छे लेवल पे वर्क दे सकें, और इसके आप जजेस भी हैं इस कंपटीशन में, तो वो ऑनर की बात है मेरे लिए और जितने भी मेरी टीम काम कर रही है सबके लिए। कोशिश ये भी है कि आप जैसे जज रहे हैं इस कंपटीशन में, आप एज ए जज हैं, एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आपका भी है, आप बहुत ज़्यादा चीज़ें जानते हैं कि किस तरीके से आर्टवर्क को देखा जाता है, आपका नज़रिया आर्टिस्ट वाला है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब इस कंपटीशन को लेके आपके विचार कैसे हैं, आपको कैसा फील हो रहा है इस कंपटीशन का एक पार्ट बन के? वो मैं हर कंपटीशन अगर कोई मेहनत ले रहे हैं ना तो मैं हर किसी को सपोर्ट करूंगा, क्योंकि खाली कंपटीशन ये जो ऑर्गेनाइजर उसके लिए नहीं रहता है बेनिफिशियली, जो स्टूडेंट्स है जो आगे कुछ करना चाहते हैं या शायद आपसे मिलना रहता है उनको, तो वो आपसे डायरेक्ट नहीं मिल पाते, डायरेक्ट बात नहीं कर पाते, शायद अच्छे काम करने वाले मैं उनका काम नहीं देख पाता, लेकिन कंपटीशन के थ्रू हर किसी का काम टैली हो जाता है, जो अच्छा काम कर रहे हैं तो वो जो बंदे हैं वो उबर के आगे आ जाते हैं, तो उस प्लेटफॉर्म से वो उनको आगे के प्लेटफॉर्म मिलते हैं जो अलग अलग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, तो इंटरनेशनली जो हो रहा है ना वो बहुत कम जगह पे मिलता है, क्योंकि इंटरनेशनली जो फॉर्मेशन होना वो काफी क्रिटिकल होता है, बाहर के आर्टिस्ट से कोलैबोरेशन करना, उनसे बात करना, उनसे टाइप करना, तो ये अच्छी आपने एक प्रोग्राम अच्छा आपने सेट किया कि ताकि आगे जाके जो बहुत सारे स्टूडेंट्स है, पार्टिसिपेंट्स है, हॉबी आर्टिस्ट है, प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, सबके लिए एक छत्र छाया में आप ला रहे हैं, तो काफी आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। इंटरनेशनल आर्ट आइकॉन के लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ, उनके लिए मैं आगे की जो उनका रास्ता है काफी अच्छा रहे और साफ रहे, बस आप ऐसे प्यार से काम करते रहे, हम सब आपके साथ हमेशा जुड़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच निशी जी, आप आए, अपना टाइम दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ।